नौकरी नहीं है सर, कुछ नहीं सर, अभी कोई नौकरी नहीं है, अभी तैयारी कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आपने इस तरह की न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि यूपी में 368 वैकेंसीज़ के लिए करीब 23 लाख एप्लीकेशंस आई, जिनमें 1.5 लाख इंजीनियर्स और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे, और वो वैकेंसी थी पीओन की जॉब के लिए। सिमिलरली इंडियन रेलवेज़ की 35,000 पोस्ट के लिए 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज़ आई कि जून 2022 में 1.3 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब गंवाई। इंडियन स्टार्टअप्स ने 18,000 जॉब्स को कट किया। टेक जायंट्स जैसे फेसबुक, अमेजोन, ट्विटर, एप्पल, बायजूस, इन कंपनीज ने भी काफ़ी लोगों को फायर किया। दोस्तों आखिर ये चल क्या रहा है? इंडिया तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल 7-8% बताया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड लेवल का सच क्या है। दरअसल इस समय इंडिया एक बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, यानी बेरोजगारी। CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर 7-8% बताई जाती है, वो कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको बताता हूँ। असल में हमारी 135 करोड़ की आबादी में से करीब 90 करोड़ लोग हैं जो कि 15 साल से ऊपर हैं और रिटायरमेंट एज से नीचे हैं, यानी वर्किंग एज ग्रुप में हैं। इन 90 करोड़ लोगों में से करीब 50% यानी 45 करोड़ लोग ही हैं जो जॉब करना चाहते हैं सैलरी के लिए, या फिर वो प्रॉफिट कमाते हैं अपने खुद के बिजनेस से, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इन्हीं लोगों को लेबर फोर्स कंसिडर किया जाता है। तो 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि गवर्नमेंट के हिसाब से केवल 3.6 करोड़ लोग ही इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। मगर एक बार सोच कर देखिए कि क्या ये फिगर सही है। हमारे देश में हर साल 1.3 करोड़ लोग नए शामिल होते हैं जॉब ढूंढने की रेस में, और पूरे साल में केवल 10 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाती है। बाकी के 1.2 करोड़ लोगों का क्या हुआ? इनफैक्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे बंदे को जानते होंगे जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी मगर उसको जॉब नहीं मिल पाई होगी, और काफ़ी महीने और इवन काफ़ी सालों तक जॉब के लिए ट्राई करने के बाद अब थक हार के या तो वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे टीचिंग कर रहा होगा या फिर किसी दुकान में कोई छोटा मोटा काम कर रहा होगा। ऐसे लोग कुछ टाइम बाद इवेंचुअली जॉब देखना ही छोड़ देते हैं और लेबर फोर्स ग्रुप से बाहर निकल कर गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के मैट्रिक से बाहर हो जाते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 45 करोड़ लोगों ने तो जॉब देखना ही छोड़ दिया है। क्योंकि ये मैट्रिक से बाहर हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिखती है। तो अगर आप इन सब लोगों को भी जोड़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि ऑन ग्राउंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेरे ओपिनियन में कम से कम 40-50% तक भी हो सकता है। जरा सोच कर देखिए कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारे पास पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, पहले से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, इंटरनेट है, नेटवर्क है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्ट है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से कहीं ज़्यादा है। पर सवाल ये होता है दोस्तों कि हमारी ये सिचुएशन कैसे आ गई? बचपन में आपने सुना होगा कि हमारी यंग पॉपुलेशन हमारी एक स्ट्रेंथ बनेगी और इंडिया का ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। आइए दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करते हैं इसी टॉपिक पर और डिटेल में समझते हैं कि हमारी इस डरावनी सिचुएशन के जिम्मेदार कौन है, और साथ ही देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इंडिया को इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। Indians are now being frustrated at not being able to find the right kind of jobs, so essentially they've stopped looking. These visuals tell a real story, grim reality of unemployment. Aaj ki jo yuva maang hai naukri, ye tab usko Hindu Muslim mein baant diya jayega. Aaye din bacche frustrated ho gaye sir, kai baar aatmahatya karte hain. Ummeed hai ki aage ek achhi job paaye, apne parivar ko secure kare. Agar mil gayi to sukoon hai, chill hai, aur nahi mila na तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट, भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। दोस्तों ब्रॉड लेवल पे इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटा जा सकता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। अगर आप ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करोगे तो इन कंट्रीज की इकोनॉमी सबसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी, फिर वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री बेस्ड हुई, और थर्ड फेज में सर्विस बेस्ड हुई। मगर इंडिया की बात करें तो हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस बेस्ड हो गई। हमारे यहाँ रियल टर्म्स में कभी मैन्युफैक्चरिंग का बूम आया ही नहीं। इस समय इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा यानी 50-55% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है दोस्तों। सर्विस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, टीचिंग, रेलवेज, एयरवेज, ट्रांसपोर्ट, आईटी सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज जैसे बड़े बड़े फील्ड्स आते हैं।
दोस्तों सर्विस सेक्टर 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस समय इंडिया के जीडीपी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉब्स के मामले में ये सेक्टर केवल 28% ही कंट्रीब्यूट कर पाता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस और यूके में टोटल एम्प्लॉयड लोगों में करीब 80% लोग सर्विस सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। इवन मेक्सिको और ब्राज़ील में भी 50% से ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में ही काम करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इस समय एम्प्लॉयमेंट का, उसमें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती रहती है फसल के हिसाब से, उसको तो अलग अलग तरह की फसल उगाकर ख़त्म किया जा सकता है, पर क्या रीज़न है कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इतनी कम एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है? आइए दोस्तों एक एक करके इन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहला कारण है स्किल गैप, मतलब जो स्किल्स करंटली हमारी सर्विस इंडस्ट्री को आज और फ्यूचर रेडी होने के लिए चाहिए वो स्किल्स अभी भी हमारे ग्रेजुएट्स के पास नहीं है। अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई स्किल सॉफ्ट के सर्वे के हिसाब से 66% IT लीडर्स को लगता है कि स्किल गैप उनकी टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो स्किल्स इस समय मैक्सिमम डिमांड में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स वगैरह। दोस्तों मैन ग्रुप की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में केवल 2.5% इंजीनियर्स के पास ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्किल्स हैं और केवल 5.5% इंजीनियर्स के पास ही बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं। सॉफ्टवेयर के अलावा अगर बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगभग हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ स्किल गैप है। पर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? एक्चुअल में इस प्रॉब्लम की जड़ स्टार्ट हो जाती है हमारे पुअर एजुकेशन सिस्टम से, जिसे अंग्रेज़ों ने 1835 में एस्टैब्लिश किया था। उस टाइम पे उनका पर्पस सिंपल था, उन्हें क्रिएटिव, इनोवेटिव और थॉटफुल लोग नहीं चाहिए थे। उन्हें चाहिए थे वो लोग जो फैक्ट्रीज में, मिल्स में काम कर सकें, जिन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए और वो उसको फॉलो कर सकें, ज़्यादा सवाल ना करें और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ तो चले गए पर ये सिस्टम आज भी वैसे ही चल रहा है। हाँ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस सिस्टम में, बट अभी भी स्कूल टाइम से जहाँ हम बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पर कम और एकेडमिक एक्सेलेंस और मार्क्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, अभी भी बच्चों को साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स से ही कंपेयर किया जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि बेचारा बच्चा पूरी ज़िंदगी एक कॉम्पिटिशन के माहौल में जीता रहता है। और ये सिचुएशन वर्स होती है जब वो हायर स्टडीज़ के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करता है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि आज भी काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को यही कहते हैं कि एटलीस्ट इंजीनियरिंग या MBA तो कर लो, फिर सोच लेंगे कि क्या करियर चूज़ करना है। अब सोचो कि किसी बच्चे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी है और उसको ये इन्फॉर्मेशन भी है कि BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे अच्छा स्कोप होने वाला है, तो पहले तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज के बजाय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़कर इतना अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स में कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो पाए, चाहे इन सब्जेक्ट्स का आगे उसके लिए कोई यूज़ ना हो। उसके बाद उस एग्ज़ाम में उसकी रैंक अगर अच्छी नहीं आई तो फिर उसको दोबारा पूरा साल ड्रॉप करना पड़ता है किसी अच्छे कॉलेज में ट्राई करने के लिए। अब आप सोच कर देखो कि जो 16-17 साल के बच्चे उस एज में कंप्यूटर लैंग्वेजेस और कोडिंग सीखकर अपना कंप्यूटर का एप्टीट्यूड स्किल्स डेवलप कर सकते थे, वो कोटा में जाकर लाखों रुपया खर्च करके अपनी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 साल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में इन्वेस्ट कर देते हैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में जिनसे जॉब मिलने के चांसेस तो बहुत कम हैं ही। उसके बाद अगर इनकेस उनका अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो उनके पास प्लान बी भी नहीं होता, यानी ये SC वर्मा और RS अग्रवाल के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे लेकिन अपने करियर से रिलेटेड उनको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से रिजॉल्व ही नहीं कर पाते। एक अकेले एटम पे कितने सारे मॉडल हैं? पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे बोस मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। सोचो यही बच्चे अगर 2-3 साल कुछ ऐसे स्किल्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करते जिनकी आगे इंडस्ट्री में डिमांड है तो इनके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स कितने अच्छे होते। यही सिमिलर ट्रेंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी चलता है और प्लेसमेंट्स के टाइम तक भी चलता रहता है। इनफैक्ट 99% कॉलेजेस में रिसर्च की, इनोवेशन की, न्यू डिस्कवरीज की, पेटेंट्स की बात ही नहीं करते, वो बात करते हैं कि किस तरह हमारी प्लेसमेंट्स को 100% दिखाया जाए और किस तरह से हमारी प्लेसमेंट्स को और बच्चों के पैकेज को मार्केट किया जाए, क्योंकि वो कॉलेज नहीं फैक्ट्री चला रहे जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। दोस्तों हमारे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है हमारी लेथार्जिक और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट ने 2014 के इलेक्शन के टाइम पे हर साल 2 करोड़ जॉब्स दिलवाने का प्रॉमिस किया था, मगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। सेवंथ पे कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2015 में 52 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे
जो कि घटकर 2019 में 41 लाख रह गए। इनफैक्ट न्यूज़ क्लिक की एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 30 लाख सेंट्रल और 30 लाख स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं हमारे इंडिया में। जैसे अगर हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, पिछले 2 सालों में कोविड-19 की वजह से उनको अपनी सारी रैलीज कैंसिल करनी पड़ी थी और उन्होंने एक भी रिक्रूटमेंट नहीं किया है। इनफैक्ट एक सीनियर आर्मी ऑफिशियल के हिसाब से हर साल 50,000 से 60,000 लोग आर्मी में रिटायर हो रहे हैं और 2 सालों से रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनको ऑपरेशनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से इस समय करीब 1.35 लाख लोगों की शॉर्टेज है इंडियन आर्म फोर्सेज में। इसी के चलते गवर्नमेंट ने जून 2022 में अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें 17.5 से 21 साल के लोगों के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज में 4 साल के लिए काम करने का मौका मिल सकता है। 4 साल के बाद 25% लोगों को इंडियन आर्म फोर्सेज में परमानेंटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी के 75% लोगों को फिर 4 साल बाद अपने लिए कोई नया करियर चूज करना पड़ेगा। अग्निपथ स्कीम के इसी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की वजह से काफी स्टेट्स में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। अ बिग बैकलैश ओवर द गवर्नमेंट्स अग्निपथ स्कीम फॉर द मिलिट्री। प्रोटेस्टर्स हिटिंग द स्ट्रीट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ट्रेन्स टॉर्च्ड, टायर्स बर्न्ड, स्टोन्स पेल्टेड। बिहार वाज द वर्स्ट हिट बाय मल्टीपल वायलेंट क्लैशेस। अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और 1.4 मिलियन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करता है, उसमें भी पिछले 5 सालों में काफ़ी कम जॉब्स निकली हैं। फरवरी 2022 में यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवेज में करीब 2.65 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं। बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन रेलवेज एक लॉस मेकिंग एंटिटी है, जिसने 2019-20 में 26,388 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया था। इनफैक्ट अपने खराब मिसमैनेजमेंट की वजह से 181 गवर्नमेंट कंपनीज फाइनेंशियल ईयर 1920 में लॉस में थी। ऑब्वियसली जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, उन्हें हायरिंग के लिए परमिशन भी नहीं मिलती सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसलिए वहाँ पे जॉब्स भी नहीं निकलती। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो 2014 से 22 तक 22 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जिनमें से केवल 7.2 लाख लोगों को ही जॉब्स मिली। यानी आप देख सकते हो कि कितना भयंकर कॉम्पिटिशन है यहाँ पे और आपकी सक्सेस के चांसेस 0.3% से भी कम है। अभी जून 2022 में सरकार ने बताया कि करीब 9.79 लाख पोस्ट अभी तक खाली पड़ी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। अगर हम टीचिंग जैसे क्रिटिकल प्रोफेशन की बात करें, जिस पे हमारे बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है, हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, तो इस समय केंद्रीय विद्यालयों में करीब 12,000 पोस्ट वैकेंट हैं। महाराष्ट्र में 67,775 टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में 65,000 टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। इनफैक्ट दिल्ली में तो 84% गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रिंसिपल्स की पोस्ट भी वैकेंट है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्टूबर 2021 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके हिसाब से इंडिया में करीब 1 मिलियन स्कूल टीचर्स की शॉर्टेज है, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज उत्तर प्रदेश और बिहार में है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इतनी जॉब्स वैकेंट हैं तो ये लोग भरते क्यों नहीं है और इनका काम चल कैसे रहा है। दोस्तों, इन वैकेंसीज को फिल करने के बजाय स्कूल कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ से काम चला रहे हैं, जिन्हें कोई बेनिफिट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, सैलरी भी काफ़ी कम होती है। और ये हाल दोस्तों ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और हेल्थ केयर सेंटर्स में हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज है। जुडिशरी सिस्टम में लीगल स्टाफ की शॉर्टेज है, तभी तो हमारे यहाँ 4.28 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है। मतलब सेंट्रल हो या स्टेट, सारे डिपार्टमेंट्स कम स्टाफ से काम चला रहे हैं, जिसका असर आपको उनसे मिलने वाली सर्विसेज में भी दिखी जाता है। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एब्सेंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस समय मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 5 साल पहले की तुलना में लगभग आधी है। मतलब 2016-17 में 51 मिलियन लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, जो कि घटकर 27 मिलियन रह गए हैं। पर यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने तो इतने पॉपुलर इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, जिसको लेकर गवर्नमेंट का प्लान था कि 2022 तक ये सब 100 मिलियन जॉब्स जनरेट करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा 5 सालों में जॉब्स आधी रह गई। अगर हम बारीकी से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसी सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग हब्स को स्टडी करें, तो हमें पता लगेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनीज हैं वो होती हैं स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज, जिनका एनुअल टर्नओवर 50 मिलियन डॉलर से लेकर 100 मिलियन डॉलर तक होता है। दोस्तों, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें 99.5% तो माइक्रो एमएसएमईज हैं। लेकिन क्या रीज़न है कि इंडिया में स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस इतना ग्रो नहीं कर पाई। फरवरी 2022 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस।
इस रिपोर्ट के हिसाब से आज भी हमारे देश में 26,000 से ज्यादा ऐसे रूढ़िवादी किस्म के लॉज हैं जो अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने ध्यान नहीं दिए तो उनको जेल हो सकती है। इनमें से कुछ लॉज तो ऐसे हैं जिनको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी और गुस्सा भी आएगा कि अपने देश की ग्रोथ किसी और ने नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने खुद ही रोकी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फैक्ट्री के मैनेजर ने लेबर को थूकने के लिए स्पिटून्स प्रोवाइड नहीं किए तो उनको जेल हो सकती है। अगर किसी फैक्ट्री में जेंडर के हिसाब से वॉशरूम नहीं बनाए गए तो उनको जेल हो सकती है। अगर किसी फैक्ट्री में कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं किया तो उनको जेल हो सकती है। अगर उन्होंने दीवारों पर सही रंग का पेंट नहीं किया हुआ तो उनको जेल हो सकती है। मतलब ये हालत है अभी भी हमारे देश के कानूनों की। ये सब लेबर लॉज और कंप्लायंसेस इंस्पेक्टर राज को जन्म देते हैं और फिर होता है करप्शन और गंदगी। मतलब 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद लाइसेंस राज तो खत्म हो गया मगर इंस्पेक्टर राज अभी तक वैसा का वैसा ही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन परमिट्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, सीवरेज ट्रीटमेंट, क्रेडिट की बात करें तो बैंक्स उतनी आसानी से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए लोन नहीं देते। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ स्किल्स तो यहाँ भी है ही, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। किसी तरह कुछ एंटरप्रेन्योर सिस्टम से लड़ते लड़ते बिजनेस को ग्रो कर पाए मगर किसी ने भी ये एनालाइज करने की कोशिश नहीं की कि आज भी इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि इंडिया एक डिफिकल्ट प्लेस है बिजनेस करने के लिए। और हाँ, आप वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पे मत जाइएगा क्योंकि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी इररेगुलरिटीज थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है, बट हर बार की तरह यहाँ भी प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की ही है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे रीजंस हैं दोस्तों, जैसे ज़्यादातर लोगों को वाइट कॉलर जॉब्स चाहिए जो कि मेट्रो सिटीज़ या टीयर वन सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं। अब काफ़ी लोग अपने पेरेंटल टाउन को छोड़ना नहीं चाहते। तो इस वीडियो में हम सारे रीजंस कवर नहीं करेंगे बट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स दे दूंगा और आप उनको चेकआउट कर सकते हो। रीजन से आते हैं उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अभाव है जिसके वजह से जो बहुत सारे लोग हैं जो छात्र हैं वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत कम है, तभी लोग गवर्नमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आपको पुणे, बेंगलोर एज ए माइग्रेंट आपको वहाँ पे जा कर के जॉब करना पड़ेगा। यूपी में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप जो है जॉब कर सकते हैं, एक नोएडा ही है जहाँ पे लोग जॉब करते हैं। चलिए दोस्तों, आप कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक अमेरिकन राइटर एल्विन टॉफर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सबसे पहला और इमीडिएट सॉल्यूशन है ऑब्वियसली स्किल अपग्रेडेशन। दोस्तों, मैकेंजी ग्लोबल की एक रिपोर्ट के हिसाब से 92% इंडियंस को लगता है कि उनकी स्किल्स आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब ये वो टाइम नहीं रहा दोस्तों कि अगर आपने 2010 में कुछ पढ़ाई की और कोई कोर्स किया उसके बाद अगले 50 साल तक आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं, वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपकी कंपनी के लिए या आपकी ड्रीम कंपनी के लिए अभी या फ्यूचर में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, उन स्किल्स को एक्वायर करने में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कीजिए बस। सिमिलरली, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सोचिए कि जिस काम को अभी आप कर रहे हैं उस काम को और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ को या अपनी लेबर को किन किन स्किल्स में ट्रेन करना पड़ेगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया मिशन और ऐसे सिमिलर मिशंस के अंदर डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे बट ये बहुत ही बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं जिनसे डेटा ऑपरेटर या बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग तो मिल सकती है बट ये प्रोग्राम्स भी 21वीं सदी की स्किल्स के हिसाब से आज की तारीख में एकदम आउटडेटेड है। स्किल्स से रिलेटेड हमारा दूसरा सजेशन है दोस्तों कि हमारे स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाला जो करिकुलम है और हमारे पढ़ाए जाने वाले जो तरीके हैं उनको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। साथ ही स्कूल्स के करिकुलम में वोकेशनल स्किल्स को ऐड किया जाए, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, स्पोर्ट्स, ज्वेलरी डिज़ाइन, कुकिंग, एनिमेशन, रोबोटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म, सिनेमाटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, अकाउंटिंग, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लॉ, डिजिटल मार्केटिंग। सिमिलरली, कॉलेजेस के करिकुलम को अपग्रेड करना पड़ेगा और हर ब्रांच की ज़रूरत के हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे समझ में नहीं आता कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को C++ की प्रोग्रामिंग क्यों सिखवाते हैं। उनको ऑटोकैड, फ्यूजन 360, की क्रिएटर जैसे 3D मॉडलिंग के टूल्स के बारे में सिखाना चाहिए। इसके अलावा थ्योरेटिकल और बुकिश नॉलेज से हटकर प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट से फोरियर थ्योरम की डेरिवेशन मत पूछिए, रेदर उसकी एप्लीकेशन के बारे में पूछिए कि किस तरह से मोबाइल सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है। इंजीनियरिंग नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता।
दोस्तों एजुकेशन से ही रिलेटेड हमारा तीसरा सजेशन है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। दोस्तों हमारे इंडिया में काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ क्वालिटी फैकल्टी अवेलेबल है। इसका मेन रीज़न है कि अच्छी फैकल्टीज को रिटेन करने के लिए हायर सैलरीज देनी पड़ती है और हमारे इंस्टीट्यूट्स को हायर सैलरीज देना नहीं चाहते क्योंकि उनको प्रॉफिट सेंटर्स रन करने हैं। अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट्स को हटा दें तो बाकी इंस्टीट्यूट्स के जो इंडस्ट्री लिंकेज हैं वो भी कुछ खास नहीं होते और बहुत ही रेयरली इनमें कोई इंडस्ट्री विजिट या वर्कशॉप या सेमिनार कंडक्ट होता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। और एजुकेशन से ही रिलेटेड हमारा चौथा सजेशन है दोस्तों रेस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग। दोस्तों सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट के टाइम के जो पैकेजेस होते हैं उनको पब्लिसाइज ना करें। ऐसा ही सिमिलर डिसीजन IITs ने एक बार लिया था कि वो सैलरीज रिवील नहीं करेंगे बट अगले साल से वो फिर से रिवील करने लग गए थे। रैदर अगर आपको दिखाना है कि इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है तो आप उनमें प्लेसमेंट्स में आने वाली कंपनीज के नाम बताइए, इंस्टीट्यूट की फैकल्टी की स्ट्रेंथ को दिखाइए, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स, उनकी इंडस्ट्री लिंकेजेस, पेटेंट्स, अवार्ड्स और जो भी इन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ की हैं वो सब दिखाइए। इससे होगा ये कि जो स्टूडेंट्स वाकई में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं केवल वो ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, बाकी लोग जो कि पैकेज देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं वो कोटा जाकर कोचिंग की फैक्ट्रीज में अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। साथ ही उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स जो उनको फोर्स करते हैं किसी अनरियलिस्टिक करियर ऑप्शन को परस्यू करने के लिए वो भी उनको फोर्स नहीं करेंगे। दोस्तों हमारा पांचवा सजेशन है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जितने भी वैकेंट पोस्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं उनको एक मिशन मोड में फिक्स टाइम पीरियड में फिल किया जाए। हालांकि 2024 के इलेक्शंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को जॉब्स देने का प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट सजेशन है दोस्तों क्रिएट सपोर्टिंग एनवायरनमेंट फॉर वीमेन। दोस्तों इवन व्हेन इंडिया में मैन इज टू वीमेन का रेशियो अब 50-50% है लेकिन अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये रेशियो हो जाता है 75:25, यानी टोटल वर्क फोर्स में से केवल 25% ही वीमेन है। इसका मेन रीज़न है दोस्तों कि हमारी इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आज भी वीमेन को परमिशन लेनी पड़ती है अपने स्पाउस से, अपनी फैमिली से कि वो बाहर जाकर जॉब कर सकें। दूसरे चाइल्ड केयर को आज भी वीमेन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है और ज़्यादातर डे केयर फैसिलिटीज़ उतनी हाइजीनिक नहीं है जिसकी वजह से वुमेन उनको कंसिडर नहीं करना चाहती। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि प्लीज़ अपने घर में अपनी सोसाइटी में वीमेन को सपोर्ट करें ताकि वो अपनी एजुकेशन को यूज़ करें और अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएं। हथेलियाँ सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती, और शादी के बाद क्या घर और बच्चे आदमी के उतने ही नहीं जितने औरत के? तो फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के सहायक क्यों नहीं बन सकते? और अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2014 से 2021 के बीच में 2700 फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में अपना बिजनेस बंद कर दिया, ये कहकर कि यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट अभी भी बहुत ही अनफ्रेंडली है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि इस समय इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से अगर कोई उभार सकता है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रीज सेक्टर, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड सभी तरह की लेबर को एब्जॉर्ब कर सकता है, करीब 10 से 15 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी पर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना डिफिकल्ट है मीट कर पाना कि काफ़ी कंपनीज को अनसर्टेनिटी है कि वो इस स्कीम के बेनिफिट्स कभी ले ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए बिजनेस अनफ्रेंडली लॉस को खत्म करना पड़ेगा। टेस्ला के CEO एलन मस्क का कहना है कि वो इंडिया इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटीज वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं बल्कि एक्चुअल में ही बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी और अकॉर्डिंगली जॉब्स भी बढ़ेंगी। लास्टली दोस्तों इंडिया में यंग एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कहने को गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी शुरू की थी 2016 में, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सर्वे हुआ था 33,000 स्टार्टअप्स का जिसमें 80% स्टार्टअप्स ने कहा कि उन्हें स्टार्टअप इंडिया स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिला। 50% से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स ने कहा कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज है। दोस्तों फैक्ट ये है कि हमें अपने सारी पॉलिसीज में से ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को हटाना पड़ेगा, एंजल टैक्स को खत्म करना पड़ेगा, बोर्ड की स्क्रूटनी को हटाकर सभी स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट देना पड़ेगा, कम से कम 5 सालों तक किसी भी स्टार्टअप से टैक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग ना हो। जैसे गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था 1990 के दशक में SEZs बनाकर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाकर, इंसेंटिव्स देकर, सिमिलर इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देने पड़ेंगे, तब जाके सही मायनों में मेक इन इंडिया कैंपेन और स्टार्टअप इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये सॉल्यूशंस इंडिया को अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से बाहर निकाल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें
जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।